डिफरेंट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बोलते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो वो जो इमेजेस जो है वो अर्थ का एटमोस्फेयर तक आते आते खत्म हो जाते हैं, तो एक रीजन है वहां पे जाना पड़ेगा। दूसरी है इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसके नाम है VELC, इसके बोलते हैं विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आर्टिफिशियली सन का जो डिस्क जो है उसको एज इफ बंद हो जाएगा और उसका जो कोरोना जो है बाहर का जो फ्लेयर है जिसके मैंने बोला है कि टेम्परेचर अबाउट 100,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है उसका स्टडी करेंगे। उसके पहले क्या होता था, ओनली जब सोलर इक्लिप्स होता था तब सारे साइंटिस्ट ना दौड़ते थे इधर उधर कहाँ सोलर इक्लिप्स पूरा दिख रहे, और उस टाइम कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट उसके अंदर में उसके स्टडी करते थे कोरोना सर्फेस। ये जो आदित्य मिशन है वो अनइंटरप्टेड 24/7 ए कोरोना स्टडी होगा, वो VELC वो कर पाएगा उसको। और इसके एक साथ और एक इंस्ट्रूमेंट है जो अल्ट्रावायलेट रेंज की कोरोनल सन डिस्क का जो क्रोमोस्फियर का उसका भी स्टडी करेंगे, तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये दो जो है सीधा सीधा जो स्टडी हो रहा है जो अर्थ एटमोस्फेयर के बाहर होना है। इसको छोड़ के और एक है इसके पार्टिकल एनालिसिस, सन से जब जो फ्लेयर्स आते हैं इसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CME, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कोरोनल मास इजेक्शन से जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स है दैट ट्रेवल्स थ्रू आउट द स्पेस एंड अ पार्ट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ, हमारे अर्थ के तरफ भी आते हैं जी। और ये जो पार्टिकल्स जो है ये जब अर्थ का जो सरफेस एटमोस्फेयर है स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इसके लिए जो पोलर रीजन में वो बहुत अच्छे लाइटिंग दिखते हैं रात को, उसको एक्वास बोलते हैं, नॉर्थ स्फीयर में बोलते हैं एक्वा बरेलिस एंड उसमें ऑस्ट्रेलियन बरेलिस बोलते हैं इसको। लेकिन ये अगर ज्यादा हो जाए, ये सोलर जो पार्टिकल्स जो है ये चार्ज पार्टिकल्स आयनाइज पार्टिकल्स ये बहुत ज्यादा हो जाए दैट विल बी बहुत कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो सकते हैं, उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो वहां पर जो पार्टिकल एनालिसिस इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसमें दो पार्टिकल एनालाइजर है वो इस सोलर पार्टिकल को एंड सोलर विंड को एनालाइज करेंगे, इसीलिए L1 पॉइंट में जाना जरूरी है। देखिए L1 पॉइंट पर जाना जरूरी क्यों है, इस सवाल का जवाब मिला है एक बच्चे का, इस सवाल था मैं स्वामी जी आपके पास आऊं, बहुत सारे सवाल हैं उन सवालों को ले लेते हैं फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है। मैम आपका भी सवाल था। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, टीम तिरुपति पहुंची थी जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और वहां तिरुपति